नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम आपके लिए ले लेके आए हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की वीडियो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है सो so, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें सो लेट गेट स्टार्टेड और फर्स्ट क्वेश्चन इज वट आर बजटरी सोर्स ऑफ फाइनेंस आंसर इज सोर्सेज विच आर अनाउंस्ड इन द एनुअल बजट सबमिटेड बाय गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट एवरी ईयर एंड इट मे बी कैपिटल और इंटरनल रिसोर्स और फ्राम अदर गवर्मेंट फंड्स इट मीन्स इट मीन्स की जो सोर्स जो अनाउंस किए जाते हैं एनअल बजट में और जिसे गोरमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में सबमिट किया जाता है हर साल उन्हें हम बोलते हैं बजट्री सोर्स ऑफ फाइनेंस ये कैपिटल सोर्सेज भी हो सकते हैं इंटरनल रिसोर्स भी हो सकते हैं या फिर अदर गवर्मेंट फंड से भी हो सकते हैं ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरियस जो फंड्स होते हैं इंडियन रेलवे में वो कौन कौन से हैं सो फर्स्ट है हमारे पास कैपिटल फंड सेकेंड है डी आर एफ मतलब डेप्रिशन रिजर्व फंड थर्ड इज डेवलपमेंट फंड फोर्थ इज पेंशन फंड फिफ्थ इज रेलवे सेफ्टी सिक्स्थ इज ए सी एस पी एफ सेवेंथ इज ओ एल डब्ल्यू आर एंड एट्थ इज आर आर एस के राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोश तो अब हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट इज कैपिटल फंड आंसर इज दिस फंड इज फाइनेंस्ड बाई लोन्स फ्रॉम जनरल रिवेन्यू एंड अदर फंड आर जनरेटेड फ्रॉम इंटरनल रिसोर्सेज एंड करेंट रिवेन्यू इट मीन्स की जो फंड मतलब कि ये जो कैपिटल फंड है ये फिनेंस्ड कहाँ से किए जाते हैं जो जनरल रेवेन्यू से जो लोन लिया जाता है वहाँ से या अदर फंड्स हैं वहाँ से इसको जनरेट कर सकते हैं इंटरनल रिसोर्स के या फिर करंट रिवेन्यू से कैपिटल फंड को जनरेट किया जा सकता है ओके दिस फंड इज़ नॉर्मली इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक लैंड न्यू लाइन्स न्यू इक्विपमेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइन्स नॉट ओपन फॉर पब्लिक इट मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि कैपिटल फ़ंड क्या होते हैं तो ऐसे फ़ंड जिनको इनकर्ड करके एसेट जनरेट होती है ना उसे हम बोलते हैं कैपिटल फ़ंड ठीक है जैसे अब ये सारे एग्जाम्पल ही समझ लीजिए आप इसके जैसे यहाँ पे बोला जैसे न्यू लाइन तो न्यू अगर लाइन अगर हमारी लगाई जाती हैं मतलब न्यू लाइन अगर जनरेट होती हैं तो वो एक तरह से हमारे पास एसेट जनरेट हो जाती है ना वहाँ से तो वैसे ही मान लो कोई बिल्डिंग है अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं ठीक है तो उस बिल्डिंग में जब हमने पैसा लगाया वो बिल्डिंग बन के तैयार होगी तो एक तरह से हमारे पास एसेट जनरेट होगी तो यही तो कैपिटल फंड होता है कि ऐसे फंड जिनको इनकर्ड करके एसेट जनरेट हो जाती है उसे हम बोलते हैं कैपिटल फंड तो कैपिटल फंड के बारे में आपको दिया गया है कि ये जो फंड है वो क्रिएट किया गया था 1992-93 में और कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से ये बना था आर 1991 कमेटी की रिकमेंडेशन से ओके और इसने किसको रिप्लेस किया था रेलवे रेवेन्यू रिजर्व फंड को रिप्लेस किया गया था इसको बनाने के लिए मतलब कि पहले रेलवे रेवेन्यू रिजर्व फंड होता था उसको रिप्लेस करके कैपिटल फंड बनाया गया और ये कौन से हेड में दिया जाता है ऑपरेटेड एज अ माइनर हेड अंडर मेजर हेड एट डबल वन एट मतलब जो मेजर हेड एट डबल वन एट है उसी के अंडर में एज अ माइनर हेड इसे शो किया जाता है सेकंड आता है डीआरएफ डीआरएफ की फुल फॉर्म होती है डेप्रसेशन रिजर्व फंड जो कि इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट ऑफ अप्रैल नाइनटीन ट्वेंटी फोर को एस्टैब्लिश हुआ था एंड द ओल्डेस्ट वर्किंग फंड इन आई आर मतलब इंडियन रेलवे में डी आर एफ जो हैं वो ओल्डेस्ट वर्किंग फ़ंड हैं ठीक है डी आर एफ अकाउंट विल बी मेंटेन इन द बुक ऑफ रेलवे एंड इन द ऑफिस ऑफ रेलवे बोर्ड ये मैंटेन किया जाता है रेलवे की बुक में और रेलवे बोर्ड के ऑफिस में से मैंटेन किया जाता है और दिस इज़ द माइनर हैड अंडर द मेजर हैड एट डबल वन फाइव इट मीन्स कि जो मेजर हेड एट डबल वन फाइव है उसके अंदर इसे एज अ माइनर हेड दिया गया है मतलब शो किया गया है नेक्स्ट क्रेडिट क्या होता है और डेबिट क्या होता है तो so, देख लेते हैं क्रेडिट में क्या लिखा गया है द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड एनुअली फ्रॉम द रेलवे रेवेन्यू जो रेलवे रेवेन्यू से जो अमाउंट जनरेट होता है ना उसे हम क्रेडिट में शो करते हैं द अमाउंट रिलीज फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ दिजनल कोस्ट मतलब ऑरिजनल कोस्ट के डिस्पोजल से भी जो अमाउंट जनरेट होता है जो रिलीज़ होता है वो भी हम क्रेडिट में शो करते हैं क्योंकि रिलीज़ हो रहा है ना अमाउंट आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्ड ऑन द बैलेंस ऑफ फंड बैलेंस ऑफ फंड से जो अमाउंट मतलब जो इंटरेस्ट अर्न होते हैं वो भी हम क्रेडिट में शो करते हैं ठीक है तो कंक्लूज़न यही था कि क्रेडिट में जो चीज़ें जो पैसा हमारे पास आता है ना ठीक है जो पॉजिटिव होता है इसीलिए हम उसको क्रेडिट में शो करते हैं डेबिट मतलब जहाँ लगता है देखिए द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एंड रेन्यूअल इसमें बोला गया है कि विद कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग हैंडलिंग एंड शिफ्टिंग सो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट जो है हमें खुद बियर करनी पड़ेगी एक एक, तरह से नुकसान हो गया तो ये डेबिट साइड शो होगा ठीक है वैसे ही नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ बाल्स बाल्स की रिप्लेसमेंट होगी है तो ये कॉस्ट भी डेबिट में होगी मॉडर्नाइजेशन ऑफ रॉकिंग स्टॉक ये भी डेबिट में शो करेंगे बैलेंस विल बी कैरिड फ्रॉम ईयर टू ईयर मतलब लास्ट में क्रेडिट माइनस डेबिट करके जो अमाउंट हमारे पास निकलता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं ठीक है नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर पर हमारे पास था डेवलपमेंट फंड ठीक है डिवेलपमेंट uh, फंड को हम हम डिस्कस करेंगे दिस फंड इज़ क्रिएटेड एंड यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंचर अमैनिटीज इट मींस कि जो फंड पैसेंजर की सुविधाओं को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम डेवलपमेंट फंड बोलते हैं डेवलपमेंट फंड इज़ बाय क्रेडिटिंग अ पार्ट ऑफ सरप्लस रिवेन्यू एज वोटेड बाय पार्लियामेंट थ्रू डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ठीक है तो इट मीन्स कि जो डिमांड फॉर ग्रांट नंबर फोर्टीन है उसमें ये बात बोली गई है कि जो दूसरे फंड्स होते हैं उसका जो सरप्लस होता है उसे ऐसे डेवलपमेंट फंड माना जाता है इसके लिए कोई अलग से फ़ंड इसके लिए कोई अलग से अमाउंट जो है अलोकेट नहीं किया जाता अलग से नहीं निकाला जाता तो अब जो डेवलपमेंट फंड है वो उनके जो टाइप्स की बात करें तो वो होते हैं चार तरह है के जो डेवलपमेंट नंबर वन है डेवलपमेंट फ़ंड नंबर वन है उसके अंदर हमें बताया जाता है जैसे उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है पैसेंजर अमैनिटीज़ ठीक है जो पैसेंजर को जो सुविधाएं मिलती है लाइक like, वो वेटिंग uh, रूम की होगी रिटायरिंग रूम की रिफ्रेशमेंट रूम की फैंस एंड लाइट्स तो ये सारी जो है शो की जाती है डेवलपमेंट फंड नंबर वन में नंबर टू में क्या शो किया जाता है कि जो अदर रेलवे यूजर्स अमेनिटीज होती हैं उसे हम डेवलपमेंट टू में करते हैं लाइक इंप्रूवमेंट ऑफ गुड्स शेड्स लेबर वेलफेयर वर्क्स प्रोविजन ऑफ न्यू हॉस्पिटल ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट फंड नंबर टू में शो की जाती हैं डेवलपमेंट फ़ंड नंबर थ्री में शो किया जाता है अनरिमेटिव ऑपरेशनल इम्प्रूमेंट्स जिनकी कॉस्ट अबव टेन लैक हो और डेवलपमेंट नंबर डेवलपमेंट फंड नंबर फोर में शो किया जाता है ओ एल डब्ल्यू आर जो कि हम आगे हम डिस्कस करेंगे और अनरिमरेटिव ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट वर्क्स कॉस्टिंग लेस देन टेन लैख मतलब अन ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट्स वर्क जिसकी कॉस्ट टेन लैख से कम हो वो नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट्स uh, दिया गए हैं जिसमें अमाउंट अप्रोप्रेशन फ्रॉम रेलवे सरप्लस जो रेलवे सरप्लस से जो अमाउंट ब जाता है वो क्रेडिट साइड शो होता है इंटरेस्ट अर्न ऑन बैलेंस ऑफ डीएफ जो डेवलपमेंट फंड से जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो भी हम क्रेडिट में शो करते हैं नेक्स्ट डेबिट में दिया गया है प्लस प्लस मींस पी मींस पैसेंजर अमेनिटीज एंड अदर रेलवे यूजर्स अमेनिटीज एल मींस लेबर वेलफेयर वर्कस यू मीनस अनरमेटिव वर्कस मतलब इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशनल एफिशेंसी और एस मतलब सेफ्टी वर्कस ये सारी चीज़ें जो है डेबिट साइड शो की जाती हैं नेक्स्ट जो हमारे पास फंड आता है पेंशन फंड इट मीन्ज दिस फंड इज़ क्रिएटेड टू इवन आउट द पेंशन चार्जेस पेंशन फंड इज़ नॉट यूज फॉर फाइनेंसिंग एसेट्स एंड इट इज़ ओनली यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ पेंशनज एंड डी सी आर जी एट्सेट्रा इट मीन्स जो पेंशन फंड जो है वो पेंशन चार्जेस को देने के लिए ही क्रिएट किया गया है इससे हम कोई और एसेट्स को ख़रीदने के लिए या उसको फाइनेंस करने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ पेंशन की पेमेंट करने के लिए ही पेंशन फंड को यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डी मतलब डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी नेक्स्ट इज ए सी एस पी एफ ये जो फंड है ये अब लैप्स हो चुका है ये सिर्फ उसकी फुल फॉर्म के लिए आपको दिया गया है फुल फॉर्म होती है एक्सीडेंट कंपनसेशन सेफ्टी एंड पैसेंजर अमेनिटीज फंड नेक्स्ट इज ओ एल डब्ल्यू आर ये जो फंड है ये भी लैप्स हो चुके हैं आजकल इसकी फुल फॉर्म और आ, ही इंपॉर्टेंट है ओपन लाइन वर्क्स रेवेन्यू दिस इज नॉट अ फंड आजकल ये लैप्स हो चुका है तो द एक्चुअल अमाउंट रिक्वायर्ड इज़ मैट फ्रॉम रेलवे रिवेन्यू और इसके लिए रेलवे जो रिवेन्यू में से ही अमाउंट जो है लिया जाता था और एफ सी हैज़ अप्रूव्ड अबोल्यूशन ऑफ़ अलोकेशन हैड ओ एल डब्ल्यू आर सिंस टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन मीन्स की टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन में इसे अबोलिश किया गया था ठीक है नेक्स्ट इज आर आर एस के राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोश जो कि इस्टेब्लिश हुआ था टू थाउजेंड सेवेंटीन फोट एटीन में और बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल सेफ्टी रेवेन्यू कमेटी टू थाउजेंड ट्वेल्व बाय श्री अनिल काकोदकर फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटमिक एनर्जी कमीशन ठीक है इसका जो पीरियड है आर के फंड का ये पाँच सालों का होता है आ, इसमें जो फंड प्रपोज किया जाता है वो वन लाख करोड़ से वन लाख करोड़ तक का होता है मतलब ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ पर ईयर इसको दिया जाता है पाँच सालों के लिए होगा तो वन लाख करोड़ का इसका बजट होता है मतलब फंड प्रपोज्ड होता है ऑब्जेक्ट स्ट्रेंथन द सेफ्टी मेजर्स ऑन द रेल नेटवर्क टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन ऑर्डर टू अकाम्पलिश द ज़ीरो एक्सीडेंट मिशन इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है या मेन मिशन है वो यही है कि ज़ीरो एक्सीडेंट हो मतलब उसकी जो रेलवे की जो सेफ्टी मेज़र्स हैं उनको इम्प्रूव करना इसका मेन पर्पज़ है स्पेशल रेलवे सेफ्टी फ़ंड में बी मर्ज विद द अब फंड मतलब इससे पहले स्पेशल रेलवे सेफ्टी फ़ंड के नाम से फंड था उसको इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया है मतलब कि आरआरएस के फ़ंड के अंदर मर्ज कर दिया गया है थैंक यू गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच